दोस्तों आज के इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट रोहित चतुर्वेदी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों रोहित चतुर्वेदी इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में रोहित चतुर्वेदी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के अलावा इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों अगर आपको भी रोहित चतुर्वेदी पसंद है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनकी रियल नेम रोहित चतुर्वेदी है और निक नेम रूह है और भी प्रोफेशन से एक मॉडल और एक एक्ट्रेस है। दोस्तों इनकी जन्म 29 अप्रैल सन 1991 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और 2023 के हिसाब से रोहित चतुर्वेदी अब 32 साल की हो चुकी है। दोस्तों रोहित चतुर्वेदी नेशनल सिख इंडियन है और रिलीजियन सिख हिंदू है। और बात करें इनकी जोड़क साइन के बारे में तो इनकी जोड़क साइन है तावड़ेस। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी फिजिकली स्टेटस के बारे में तो इनका हाइट है 173 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 8 इंचीज और वेट है 55 kg यानी कि 121 LBS। इनकी फिगर मेजरमेंट है 30, 28 एंड 30। इनकी आई कलर डार्क ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। और वही अगर बात किया जाए इनकी शिक्षा जीवन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई मुंबई की डिवाइन चाइल्ड स्कूल से करी है, जिसके बाद इन्होंने मुंबई अंधेरी वेस्ट की ववंस कॉलेज में एडमिशन ली, जहाँ से उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में ऑनर्स लेकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दोस्तों रोहित चतुर्वेदी की जन्म भले ही मुंबई में हो लेकिन इनके पिताजी राजस्थान से बिलोंग्स करते थे। दोस्तों इनके पिताजी की जन्म राजस्थान झुंझुनू जिला की मुकुंदगढ़ गांव में हुआ था। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित चतुर्वेदी को बचपन से ही एक्टिंग से बहुत ज्यादा लगाव था। दोस्तों रोहित के दादाजी बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। दरअसल इनके पिताजी एक दिन मिस मुंबई ब्यूटी प्रेजेंट की एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद इसमें अपनी बेटी रोहित की नाम दर्ज करवाने के लिए अपनी बेटी रोहित को अप्रोच की थी। दोस्तों रोहित चतुर्वेदी अपने पिताजी के कहने पे इस ब्यूटी प्रेजेंट में एक कॉन्टेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट ली थी। हालांकि उन्होंने इस कॉन्टेस्टेंट को नहीं जीत पाई लेकिन इस कॉन्टेस्ट में आकर उनको एक फायदा जरूर हुई थी। दरअसल उस वक्त की फेमस कोरियोग्राफर शकीर शेख ने उनको उठा ली और फैशन शो में काम करने की मौका दी। दोस्तों रोहित चतुर्वेदी ने सन 2010 में पहली बार के लिए एक कॉन्टेस्टेंट के तौर पर मिस इंडिया फैशन शो में भाग ली थी, जहाँ पर उन्होंने मिस इंडिया खिताब को अपने नाम की थी। फिर इसके बाद सन 2016 में इनको राजस्थानी फिल्म कंगना और पगड़ी में काम करने की मौका भी मिली थी। दोस्तों को बता दें कि रोहित चतुर्वेदी राजस्थानी फिल्मों के अलावा कई हिंदी फिल्मों में भी काम करी है और इनकी फिल्म की झोली में अलाप हो जा जरा मतलबी जैसे कई जबरदस्त फिल्में शामिल है। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में काम करके रोहित चतुर्वेदी को वैसी कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब उन्होंने जी टीवी की पॉपुलर टीवी शो कुमकुम वगिया में शालिनी ऋषभ लुथरा के किरदार में नजर आई तो उनको काफी पॉपुलरिटी मिली और उनकी फैन फॉलोअर्स भी बढ़ने लगी। दोस्तों आपको रोहित चतुर्वेदी कैसी लगती है ये नीचे कॉमेंट करके जरूर बता दे। चलिए अब बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों आप स्क्रीन पे रोहित चतुर्वेदी के पिताजी और माताजी की फोटो देख सकते हैं। दोस्तों रोहित चतुर्वेदी की एक भाई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी मैरिटल स्टेटस के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि रोहित चतुर्वेदी मैरिटल स्टेटस की ओर से मैरिड है और इनके हस्बैंड के नाम है शिवेंद्र ओम सानियल। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी कार कलेक्शन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि रोहित चतुर्वेदी के पास मौजूद है एक ऑडी Q7 जिसकी कीमत है करीब 80 लाख रुपए। और वही अगर बात किया जाए इनकी हाउस के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि रोहित चतुर्वेदी फिलहाल अपने फियांस के साथ मुंबई अंधेरी वेस्ट की एक सुंदर सा अपार्टमेंट पे रहते हैं। तो दोस्तों ये थी रोहित चतुर्वेदी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।